बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, हाय हेलो, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। सॉरी मेरे यूट्यूब फैमिली, मैं काफ़ी टाइम बाद यानी कि एक दो दिन गैप देके मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी मशीन रजिस्ट्रेशन की जो आगे की प्रक्रिया है उन सब में उलझे हुए हैं, और आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके आना ज़रूरी था। तो जो फेसिंग प्रॉब्लम हो रही है, आधार UCL का ये पार्ट 6 है, इसमें ये जानना है कि मशीन रजिस्टर्ड का जब मेल आपके पास आ जाए उसके बाद आगे क्या करें, और ये जानना हर एक CSE वैली को बहुत ज़रूरी है। ये CSE वैली को भी जानना ज़रूरी है, और जो BC में वॉक कर रहे हैं या जिन्होंने CSE लेना चाहते हैं और आगे चाहते हैं कि आधार वॉक करना है, उन्हें भी ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, स्पेशली CSE वैली जो आधार UCL के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुकी है। आधार UCL रजिस्ट्रेशन के बाद आप सभी के पास एक मेल आएगा जो स्टेट हेड की तरफ से होगा कि आप अपनी ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन रेडी रखें और आपका मशीन रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये होना चाहिए कि आप PC में डेस्कटॉप ना रखें, आप अपने पास आधार UCL के लिए लैपटॉप रखें जो i5 9 जेनरेशन या उससे ऊपर हो और TPM 2.00 हो। साथ में स्टेटिक IP यानी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ आपको स्टेटिक IP इजीली सभी के पास मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है, अगर बहुत गाँव में है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको बताया गया है। साथ में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे पास फाइनल मेल आता है कि मशीन रजिस्टर करने के लिए, तो आपको उससे पहले सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेने हैं, और इस पर उसमें जो भी इंफॉर्मेशन बताई गई है, जो तरीके बताए गए हैं, आसान सा तरीका, वो आपको उस तरीके से करना है। किसी दूसरे का वीडियो देख के कॉपी पेस्ट करके नहीं करना है, आपको प्रॉपर उसके अंदर लिखा हुआ है, समझाया गया है, उस तरीके से आप ज़रूर कर लें। दूसरी कि ये उस मेल के बाद, फाइनली मेल के बाद जब आपके पास करना होता है, वो इम्पोर्टेंट था, स्टेटिक IP आपको बता दी, उसके बाद आपको वेरीफायर एक ढूंढना है। जी हाँ, वेरीफायर के लिए काफ़ी बहुत सारी वैलीज का क्वेश्चन और ये क्वेरी है कि वेरीफायर कहाँ से आएगा। तो वेरीफायर के लिए आप ध्यान से समझ लें, वेरीफायर गवर्नमेंट रिटायर्ड होना चाहिए और उसका गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी हो, और साथ में आधार कार्ड, उसका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक आप रिज्यूम बना लें। अगर आप वेली हैं और अपने सेंटर पे बहुत सारे लोग आपका बायोडाटा ये रिज्यूम बनवाने आते हैं, तो आप उनका रिज्यूम सेम वैसे ही बनाएं और उनके साथ में उसका आर्मी या उसके रिटायर्ड का नंबर, PPU नंबर, सारा डिटेल आप उसके अंदर मेंशन कर दें। साथ ही उस वेरीफायर का जब आप सब कुछ रखेंगे तो एक कॉपी अपने पास रख लें, उसकी साइन करवा लें, उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर सही लिखे, ताकि जब स्टेट हेड टीम उनके पास कॉल करे तो वेरीफाई हो जाए। वेरीफायर का एक बैंक पासबुक या उसका चेकबुक की एक कॉपी रख लें, क्योंकि वेरीफायर के पास आपके जो भी इनकम्स होंगे उसमें से उसका 2 रुपये वेरीफायर के पास जाता है, और ये पहले भी जाया करता था, तो वेरीफायर को मंथली एंड में उसके पास जाएगा, तो इसलिए उसके बैंक भी आप साथ में डिटेल रख लें। और आगे और भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करूंगा इस वीडियो पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और मेरे पुराने व्यूअर हैं, फैमिली हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या फेस कर रहे हैं और आपको किस तरह का, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आने वाले वीडियो में और भी आपको इन्फॉर्मेटिक नॉलेज मिलेगा आधार UCL के रिगार्डिंग। तब तक बने रहें, अपनों और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, बाय बाय।